Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter, Natural Resources. And I'm taking this chapter from a book, New Science Ahead, Book 4. Let's start. Chapter 9 Natural Resources. देयर आर मेनी वैल्युएबल थिंग्स इन नेचर दैट आर नेरी फॉर एस टू लिव ऑन दिस अर्थ ठीक है मतलब कहने का क्या है कि हमारे नेचर में बहुत सारे वैल्यूबल थिंग्स प्रजेंट हैं जो कि हमारे धरती पर जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी है ठीक है समझ में आया कि हमारे जो नेचर है नेचर मतलब ये जो हमारा सराउंडिंग है ठीक है हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या है बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स प्रेजेंट हैं ठीक है हमें हाँ हो सकता है दे, कुछ, दे, देख कुछ दिख रहे हों कुछ नहीं दिख रहे हों कुछ को हम बस फील कर पा रहे हो ठीक है लेकिन वो क्या है वो प्रजेंट हैं बहुत सारे वैल्यूबल थिंग्स हमारे सराउंडिंग में हमारे नेचर में प्रजेंट हैं जो जिसका धरती पर होना बहुत जरूरी ताकि हम धरती पर क्या रह सकें जिंदा रह सकें ठीक है ठीक है हमें अगर धरती पर जिंदा रहना है तो उनका हमारे सराउंडिंग में होना बहुत जरूरी है ठीक है यहाँ पे लिखा ना दैट आर नेसेसरी फॉर टू लिव ऑन दिस अर्थ ठीक है जो कि बहुत जरूरी धरती पर रहने के लिए दीज आर एयर वाटर सॉयल फॉरेस्ट एनिमल्स एंड मिनरल्स ठीक है और उन वैल्यूएबल थिंग्स में से कुछ वैल्यूबल थिंग्स हैं जैसे कि आपका एयर वाटर सॉयल फॉरेस्ट एनिमल्स एंड मिनरल्स ठीक दे आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज और उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं ठीक मतलब कहने का क्या है कि हमारे नेचर में बहुत सारे वैलेबल थिंग्स प्रेजेंट हैं नो no मैटर वो हमें दिख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं उससे मतलब नहीं लेकिन वो क्या है प्रेजेंट है हमारे नेचर में वो वैलेबल थिंग्स प्रेजेंट हैं और उनका प्रेजेंट रहना हमारे धरती पे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है और उन वैल्यूबल थिंग्स में से कुछ वैल्यूबल थिंग्स आपका है जैसे कि आपका एयर हो गया वाटर हो गया सॉयल फॉरेस्ट एंड एनिमल्स एनिमल्स एंड मिनरल्स हो गए ठीक है और यही जो आपका एयर वाटर सॉयल फॉरेस्ट एनिमल्स एंड मिनरल्स हैं इनको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं ठीक है नेचुरल रिसोर्स कहते हैं अच्छा नेचुरल रिसोर्स अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो एक पॉइंट आप ये ध्यान से सुन लीजिए कि नेचुरल रिसोर्स उनको कहते हैं जो चीज़ हमें नेचर से अपने आप मिले ठीक है जो चीज़ नेचर से हमें अपने आप मिल जाए हमें उसे बनाने की ज़रूरत ना पड़े उन चीज़ों को हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं जैसे एयर वाटर कभी सुना है कि कोई कह रहा हो कि अरे आज तो मुझे हवा खाने का मन कर रहा था तो मैंने अपनी मम्मा से एयर बनाने के लिए कह दिया तो दूसरा कहता है अरे नहीं यार मेरे घर तो अभी कल ही वाटर बना था इसलिए मैं आज एयर नहीं बनेगा मेरे घर पे कभी सुना नहीं ठीक है एयर वाटर हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन ये क्या है कभी हम लोग इसको बनाते हैं नहीं नहीं बनाते हैं ठीक है इसको कौन बनाता है इसे नेचर बना रहा है इसे प्रकृति बना रही है ठीक है और इस प्रकृति से हम लोग इसको अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो इसको कौन बना है नेचर बना रहा है तो जो चीज़ नेचर अपने आप बनाता है जिसको हमें बनाने की जिसको ह्यूमंस को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे चीज़ों को हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं ठीक है वैसे चीज़ों को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं आई होप कि आपको क्लियर होगा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं ठीक नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से अपने आप मिल जाए ठीक वी यूज़ दिस नेचुरल रिसोर्स इन आर डेली लाइफ और इन नेचुरल रिसो रिसोर्स को हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ठीक है देखिए एयर हम लोग सांस लेते ही हैं वाटर ब्रश करते हैं नहाते हैं खाना खाते हैं ठीक है मतलब खाना बनाते हैं तो वाटर का यूज़ करते हैं सॉयल एग्रीकल्चर करने के लिए हम लोग का यूज़ करते हैं सॉइल मतलब ज़मीन मिट्टी ठीक है फॉरेस्ट जंगलों से बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनके वूट से हम लोग uh, अपने घर के फर्नीचर्स को बनाते हैं एनिमल्स एनिमल प्रोडक्ट हमें जरूरी मिनरल्स मिनरल्स में आपका गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सब आता है वो भी हमारे घर में होता है ठीक है तो ये सब क्या है हमारे डेली लाइफ में इनका बहुत ही जरूरी होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स रीनेबल एंड नॉन रूनेबल ठीक है मतलब कहने का है कि दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं ठीक है यहाँ पे क्या है दो टाइप के नेचुरल रिसोर्स होते हैं पहला होता है आपका रीन्यूएबल और दूसरा नॉन रीन्यूएबल ठीक है अच्छा पहला देखिए क्या लिखा है रीन्यूएबल अब इसका नाम ध्यान से देखिए क्या लिखा है री फिर क्या लिखा है न्यू और फिर क्या लिखा है एबल ठीक है तो री का मतलब क्या होता है री का मतलब फिर ठीक है कहते हैं ना रीप्ले मैच में हैं हम लोग रीप्ले तो री मतलब फिर से फिर न्यू मतलब नया एबल मतलब कैपेसिटी कैपेबिलिटी ठीक है एबल मतलब कैपेबिलिटी ठीक है जिस रिसोर्स में जिस रिसोर्स में जिस नेचुरल रिसोर्स में हम कहें जिस नेचुरल रिसोर्स में फिर से री मतलब फिर से नया जैसा होने की एबिलिटी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं रीनुएबल रिसोर्स ठीक है resource, समझ natural resource में आया जिस नेचुरल रिसोर्स में फिर से नया जैसे होने की एबिलिटी होती है उस रिसोर्स को हम लोग रीनएबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं ठीक है तभी तो नाम पड़ा है रीन्यूएबल मतलब फिर से पहले जैसा हो जाए ठीक है और इसी का ही अपोज़िट क्या हो जाएगा नॉन रीनीबल ठीक है इसी का अपोज़िट क्या हो जाएगा नॉन रीन नॉन रीनएबल ठीक है मतलब जिस नेचुरल रिसोर्स में पहले जैसा होने की एबिलिटी ना हो वैसे रिसोर्स को हम लोग नॉन रीनेबल रिसोर्स कहते हैं ठीक समझ में आया रिनेबल एंड नॉन रिनेबल क्या होते हैं ठीक आइए अब डेफिनेशन देखते हैं इसका क्या लिखा हुआ है रिनेबल रिसोर्स आर दोस्त दैट विल इधर नेवर रन आउट और आर कॉन्स्टेंटली रीन्यूड बाई नेचर नेचुरल प्रोसेस ठीक है मतलब कहने है क्या है वही जो चीज़ हमने पहले समझा कि रिनेबल रिसोर्स या तो वो कभी खत्म नहीं होगा ठीक है यहाँ पे क्या लिखा आर दोस्त दैट विल इधर नवर रन आउट या तो वो एक ऐसा रिसोर्स या जो कि या तो कभी ख़त्म नहीं होगा और या फिर कभी ख़त्म हो भी गया इनकेस मान लो वो रिसोर्स कभी ख़त्म हो भी गया तो वह क्या होगा आर कॉन्सटेंटली रीन्यूड बाई नेचुरल प्रोसेस वो लगातार अपने आप नेचुरल प्रोसेस से क्या होगा रीनीूड हो जाएगा वो फिर से वापस बन जाएगा ठीक है समझ में आया रिनेबल रिसोर्स क्या होते हैं रिनेबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि या तो वो आप कितना भी इसको यूज़ कर लो वो कभी ख़त्म होगा नहीं और इन केस मान लो वो कभी ख़त्म हो भी गया तो उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको घर में गैस पे चढ़ा के उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है वो अपने आप नेचुरल प्रोसेस से वो क्या होगा वो बन जाएगा ठीक है जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सन ठीक है द सन लाइट जैसे सूरज की रोशनी में हम लोग को जाके सूरज के अंदर कैंडल जलाने की सूरज का स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं कि स्विच ऑन कर दिया तो सुबह सुबह रोशनी होगा जैसे रात में लोग बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब से रोशनी हो जाता है वैसे हमें करने की जरूरत नहीं है वो सूरज अपने आप ही हमें क्या होता है सन दे देता है ठीक है और दूसरा एग्जाम्पल है वाटर ठीक है देखिए वाटर भी क्या होता है वाटर को कभी पकाते हैं क्या कि अरे मुझे प्यास लगा चलो पानी पका लेते हैं नहीं वाटर को भी पकाने की जरूरत नहीं है वाटर भी क्या होता है अपने आप रीन्यूड हो जाता है बाय रेन बारिश जब होती है तो बारिश से अपने आप पानी क्या होता है जो भी पानी लोग खर्च किए होते हैं धरती से वो धरती पे वापस पानी क्या होता है बारिश से कवर हो जाता है ठीक है एनिमल्स क्रॉप्स फॉरेस्ट वाटर सॉइल एंड सन लाइट आर रीन्यूड रिनेबल रिसोर्सेस ठीक है समझाएगा जो आपका एनिमल होता है क्रॉप्स फॉरेस्ट वाटर सॉयल ये सब क्या है ये आपके रीनबल रिसोर्से हैं ठीक है थेके? ये सब आप जितना भी यूज़ करो इनको आपको बनाने की जरूरत नहीं होगा ये नेचर अपने आप फिर से इनको बना देता है ठीक है नेक्स्ट क्या है नॉन रिनेबल रिसोर्सेज नॉन रिनेबल रिसोर्सेज हम लोग ने यहाँ देखा ही था जो चीज़ पहले दोबारा नया जैसा नहीं हो पाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं नॉन रिनेबल रिसोर्सेज कहते हैं ठीक है थेके? अब डेफिनेशन में देखते क्या लिखा हुआ है नॉन रिनेबल रिसोर्सेज आर दोज विच वंस यूज अप आर एग्जॉस्टेड एंड आर इधर नाट रीन्यूड बाई नेचर और रीन्यूड वेरी स्लोली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ठीक है मतलब कहने क्या है कि नॉलेबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम लोग एक बार यूज कर लें विच वंस यूज अप आर एग्जॉस्टेड तो वह क्या हो जाता है वो ख़त्म हो जाते हैं एक बार यूज़ कर लिया तो वह क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा एंड आर इधर नॉट रीन्यूड बाई नेचर और नेचर उसको दोबारा क्या करता है रीन्यूड भी नहीं कर पाता है ठीक है क्या लिखा है नॉट रीन्यूड बाई नेचर नेचर भी उसको वापस नेचुरल प्रोसेस से नहीं बना पाता है ठीक है और कभी मान लो बना भी दिया अगर नेचर कहता है ठीक है तुमने तो यू यूज़ कर लिया कोई बात नहीं हम उसको बना देंगे दोबारा तो नेचर क्या करेगा नेचर टू ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ठीक है तो नेचर क्या करेगा उस चीज़ को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर ले लेगा ले उस चीज़ को बनाने के लिए ठीक है तो ऐसा जो चीज़ जिसको हम लोग एक बार यूज़ कर लें और वो ख़त्म हो जाए और उसको हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर पाएँ तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कह क्या कहते हैं नॉन रिनेबल रिसोर्सेस कहते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम एंड मिनरल्स लाइक गोल्ड आयरन एंड कॉपर समझे देखिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको उसका समझाएगा पेट्रोल का हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं फिर गाड़ी चलाते हैं दो तीन दिन घूम लेते हैं घूमने के बाद हमारा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है फिर गाड़ी ला खड़ा कर देते हैं तो क्या गाड़ी में पेट्रोल अपने आप दोबारा टंकी फुल हो जाता है नहीं फिर हमें वापस से कहाँ जाना पड़ता है आ, फ्यूल पॉइंट पे जाना पड़ता है क्या कहते तो हैं उसको पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है और वहाँ पर जाके हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तब जाके दोबारा हम गाड़ी चला पाते हैं ठीक है तो पेट्रोलियम ये क्या है पेट्रोलियम जो पेट्रोल ये क्या है ये भी क्या है एक नेचुरल रिसोर्स है ये भी हमको ज़मीन से ही मिलता है ये भी नेचुरल रिसोर्स है लेकिन हम लोग ये इसको दोबारा बना नहीं सकते नेचर इसको तुरंत दोबारा हमें बना नहीं सकता और अगर नेचर बनाया भी तो नेचर को इसको बनाने के लिए क्या लग जाएगा मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे बनाने के लिए ठीक है तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिनको हम लोग दोबारा एक बार यूज़ करें तो दोबारा यूज़ ना कर पाएँ तो वैसे वैसे प्रोडक्ट को हम लोग नॉन रिनेबल रिसोर्स कहते हैं ठीक है चलिए अब क्या कह रहे हैं सॉइल सॉयल इज द लूज अपर मोस्ट लेयर ऑन द अर्थ सरफेस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दे गेट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉयल ठीक है सॉयल क्या होता है सॉइल इज द लूज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ठीक है जो हमारा अर्थ है वो बहुत सारे लेयर में बटा हुआ है ऐसे करके ठीक है ऐसे करके लेयर में हमको दिख नहीं रहा हैं हम इस वाले लेयर पर हैं सबसे टॉप मोस्ट वाले लेयर पर हैं हम लोग यहाँ पर हैं? इस लेयर पर ठीक है लेकिन अगर हम ध्यान से और थोड़ा पढ़ेंगे आगे क्लास फाइव सिक्स में तो देखेंगे अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे करके लेयर्स होते हैं ठीक है इसके अंदर ऐसे करके लेयर है ठीक है तो ये जो सॉइल होता है जिस जिसकी बात हम लोग क्या कर रहे हैं सॉइल की जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं सॉइल की तो सॉइल किसको कहते हैं ये जो सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होता है अर्थ का ठीक है जैसे कि ये मान लो ए है ये बी है ये सी है ये डी तो ये जो डी वाला लेयर है जो सबसे तो टॉप मोस्ट लेयर है इसको हम लोग कहते हैं सॉइल कहते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे लिखा हुआ है ना सॉइल इज द लूज अपर मोस्ट लेयर ऑन द अर्थ सरफेस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल जो प्लांट हमारा जो ग्रो होता है ये जो प्लांट है ठीक है ये जो प्लांट है वो हमारा इसी सॉइल में ग्रो होता है ये जो अपर मोस्ट लेयर है ये डी लेयर जो है इसी में ही क्या होता है ये ग्रो करता है दे गेट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉयल और प्लांट को ग्रो करने के लिए जो वाटर और जो मिनरल चाहिए होते हैं वो इसको इसी सॉइल से मिलता है ठीक है सिंस प्लांट मेक फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन सॉयल फॉर फूड ठीक है जैसा कि प्लांट को ठीक है जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा है प्लांट मेक फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग जैसे कि प्लांट क्या करते हैं फूड बनाता है सारे लिविंग थिंग्स के लिए ठीक है धरती पे जितने भी लिविंग थिंग्स है जैसे ह्यूमंस एनिमल्स इंसेक्ट जो भी लिविंग थिंग्स छोटे, -छोटे, -छोटे से छोटे कीड़ा से लेके बड़े से बड़ा जो जाइंट है जो धरती पे प्रेजेंट है ठीक है उन सब के लिए प्लान क्या करता है फूड बनाता है ठीक है ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड ठीक है तो वो क्या होता है वो प्लांट से फूड खाते हैं हम लोग किससे प्लांट से फूड खा रहे हैं लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग किससे डिपेंडेंट हैं हम लोग सॉयल से भी डिपेंडेंट हैं ठीक है थेके? मतलब कोई कहने का मतलब ये कि अगर कोई कहता है कि अरे हम तो पेड़ से फल खाते हैं ठीक है थेके? पेड़ पे जो उगते हैं जो फल है जो सब्जियां हैं जो, जो उगती हैं वो खाते हैं ठीक है थेके? हमें धरती से क्या हमें मिट्टी से क्या करना तो नहीं आप मानो या ना मानो कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉयल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं अगर सॉयल नहीं होगा तो पेड़ नहीं उगेगा ठीक है अगर soil ही नहीं होगा तो पेड़ नहीं उगेगा पेड़ नहीं उगेगा तो वहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगेंगे नहीं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगेंगे नहीं तो हम लोग खा नहीं पाएंगे हम लोग खा नहीं पाएंगे तो हम लोग क्या होंगे मर जाएंगे तो अगर कोई ये कहता है कि हम लोग तो सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट हैं तो नहीं गलत हम लोग सॉयल पे भी डिपेंडेंट हैं अगर सॉइल नहीं तो प्लांट नहीं प्लांट नहीं तो लिविंग थिंग नहीं ठीक है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है सिंस प्लांट मेक फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन सॉयल फॉर फूड मैनी एनिमल्स लिव इन दॉयल इंसेक्ट सच एज अर्थ वॉर्म एंड एंड्स एंड बिगर एनिमल्स सच एज माइस एंड रेबिट लिव इन द सॉयल ठीक है और बहुत सारे अगर हम जानवरों का देखें तो बहुत सारे जानवरों के लिए सॉइल क्या है एक घर जैसा है जैसे आपका अर्थ फॉर्म हो गया आपका एंट हो गया आपका रैबिट हो गया माइस हो गया ठीक है ये सब क्या है ये सब ये सॉइल में तो रहते हैं जमीन के अंदर ही तो होल बना के रहते हैं ठीक है तो सॉइल बहुत बहुत सारे जानवरों का घर भी है ह्यूमन डिपेंड्स ऑन द सॉयल फॉर मेनी थिंग्स ठीक है और ह्यूमंस की बात करें मतलब हम इंसानों की बात करें तो हम लोग तो सॉयल पे बहुत सारे तरीके से डिपेंडेंट हैं ठीक है थेके? और उनमें से एक तो देख लें सबसे बड़ा चीज़ तो क्या है पेड़ उगना पेड़ नहीं उगा तो सब्जियाँ और फल नहीं मिलेंगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे तो खा नहीं पाएंगे ठीक है आगे क्या करें इसमें वी ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ सीरील्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द सॉयल हम लोग तरह तरह के सीरियल्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या होते हैं सॉयल में उगाते हैं वी यूज सॉयल टू मेक बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज ब्रिक्स एंड सीमेंट ठीक है यहाँ तक कि जो हम लोग अपने घर जो बनाते हैं ईंटे से और सीमेंट से जो तो घर बनाते हैं वो जो ईटा है वो भी किससे बनता है वो भी सॉइल से ही बनता है जो जो ईटा और जो सीमेंट है वो भी किससे बनता है सॉइल से भी बनता है ठीक है जैसे आप कहीं देखेंगे गाँव गाँव में आउट एरिया में तो ऐसा करके एक होता है भट्टी होता है ईटे की भट्टी जैसे कहते हैं यहाँ पे तो धुआं निकलता है बड़ा सा पाइप जैसा रहेगा यहाँ धुआं निकलता रहेगा ईटी की भट्टी तो वहाँ देखेंगे ईटा को ऐसे मिट्टी से बनाते हैं पकाते हैं ठीक है तब जाके मार्केट में ईटा आता है तब जाके हमारे घर से या स्कूल बन पाते हैं हॉस्पिटल बन पाता है ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि वी यूज़ सॉयल टू मेक बिल्डिंग मटेरियल सच एज़ ब्रिक्स एंड सीमेंट वी यूज क्ले ऑबटेन फ्रॉम सॉयल टू मेक पॉट्स एंड यूटेंसिल्स यहाँ तक कि हम लोग सॉयल का यूज करके हम लोग अपने घर के बर्तन और पॉट को भी बनाते हैं अब तो हम लोग मिट्टी के इतने सामान यूज़ नहीं करते पहले के ज़माने में यूज़ होता था लेकिन आज भी आज भी आप देखेंगे तो आपके घर घर में घड़ा तो दिख ही जाएगा पॉट ठीक है मिट्टी का घड़ा तो आपको दिख ही जाएगा जिसमें पानी डाल के रखते ठंडा पानी होता है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सॉइल हमारे लाइफ में ह्यूमंस के लाइफ में कितना यूजफुल है पेड़ उगाने की बात करें या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने की बात करें या फिर हमारा पॉट या यूटेंसिल्स बनाने की बात करें तो भी हमारे लिए ह्यूमंस के लिए सॉइल क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ठीक है तो सॉइल भी क्या है एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है ठीक है ध्यान दीजिएगा आप सॉइल क्या है सॉइल एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है मतलब इसको हम लोग दोबारा से हम कितना भी इसको अपना खर्च कर लें ये नेचर इसको क्या करेगा दोबारा से रीन्यू कर लेगा ठीक है रीनबल नेचुरल रिसोर्स ठीक चलिए नेक्स्ट क्या है वाटर वाटर इज अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इसेंशल फॉर लाइफ ठीक वाटर क्या है वाटर भी एक रीनेबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारी लाइफ के लिए क्या है इसेंशियल है इसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट है ह्यूम्स एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल नीड वाटर टू लीव चाहे इंसान की बात करें या जानवर की बात करें या फिर पेड़ पौधे की बात करें सबको क्या पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए ठीक है ऑल नीड्स वाटर टू लीव ठीक है देखिए प्लांट को भी पानी चाहिए होता है ना तो वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए फोटोसिंथेसिस आई नो कि आप सबको पता होगा पता ही है क्योंकि शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा प्लांट्स लाइफ में राइट वी नीड वाटर टू ड्रिंक बैथ वॉश इरीगेट फील्ड्स एंड फॉर मेनी अदर पर्पस ठीक है हमें पानी पीने के लिए नहाने के लिए धोने के लिए इरीगेट करने के लिए इरीगेट मतलब खेती बाड़ी करने के लिए भी हमें पानी चाहिए होते हैं चाहिए होता है एंड फॉर अदर पर्पस अदर पर्पस जैसे खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए होता है ठीक है वाटर इज अ प्रीसीस रिसोर्स वी शोड नॉट वेस्ट इट वाटर क्या बहुत ही ज़्यादा प्रीसीस रिसोर्स है और हम इनको खर्च वेस्ट नहीं करना चाहिए मतलब खर्च करना चाहिए मतलब यूजफुल खर्च करो लेकिन वेस्ट मत करो डोंट वेस्ट वाटर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है फॉरेस्ट अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर देयर इज अ थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट फॉरेस्ट क्या है एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे आपकी ट्री और प्लांट्स क्या होते हैं उगे होते हैं ठीक है देर इज़ ए थिक ग्रो थिक ग्रो मतलब कहने क्या है मोटा पेड़ नहीं थिक ग्रो का मतलब मोटा पेड़ नहीं थिक ग्रो कहने का मतलब यहाँ पे थिक मतलब घना घना जंगल ठीक है मतलब फॉरेस्ट क्या होता है एक इतना बड़ा एरिया जहाँ पे घने घने पेड़ या घने बहुत सारे पेड़ जहाँ पे उगे होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं आया फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ़ लैंड वेयर देयर इज अ थिक ग्रोथ ऑफ़ ट्रीज थिक ग्रोथ ऑफ़ ट्रीज मतलब ढेर सारे पेड़ लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो ठीक मतलब है मतलब क्या है लार्ज नंबर बहुत सारे घना जंगल इन अ फॉरेस्ट प्लांट ग्रो ऑन देयर ओन फॉरेस्ट में क्या होता है कि प्लांट अपने आप उगते हैं ठीक है वहाँ पर हमको जाके उनको पेड़ में पानी डालने की जरूरत नहीं होता जैसे हम लोग घर में गमले में डालते हैं या गार्डन में डालते हैं नहीं वहाँ पर हमको जाके उनको खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है वो खुद ब खुद अपने आप उग जाते हैं ठीक है एंड फॉरेस्ट प्लान ग्रो ऑन देयर ओन द काइंड ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन अ फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड सॉयल ऑफ़ दैट प्लेस लेकिन हाँ जंगल में पेड़ अपने आप तो उगते हैं लेकिन जंगल में सिर्फ वही पेड़ उग सकते हैं जिस पेड़ को उस जगह का क्लाइमेट और वहाँ का जो सॉयल है जो सूट करेगा सिर्फ वही उगेगा अगर यहाँ पर सिर्फ आम का पेड़ है आम का पेड़ है और आम के पेड़ को यहाँ का क्लाइमेट और सॉयल पसंद आया है तो आम का पेड़ ही यहाँ पे उगेगा और अगर मान लो गुलाब का पेड़ है गुलाब के पेड़ को यहाँ का क्लाइमेट और सॉयल पसंद नहीं आया है तो आप कितना भी कोशिश कर लो यहाँ गुलाब का पेड़ नहीं उग पाएगा ठीक है वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है द काइंड ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन अ फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड द सॉयल ऑफ दैट प्लेस ठीक है वहाँ पे उसी टाइप के पेड़ उगेंगे वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के पेड़ वहाँ के क्लाइमेट और सॉइल को पसंद कर रहे हैं ठीक है मतलब वहाँ के कंफर्ट हैं तभी वो उग पाएंगे ठीक फॉरेस्ट आर यूज़फुल टू अस इन मेनी वेज और ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट क्या है कि एक बहुत ही बेकार जगह है जंगली जग, जगह है ऐसा नहीं है फॉरेस्ट भी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है ठीक है दे प्रोवाइड अस विध वूड्स मेडिसिन पेपर्स एंड ऑक्सीजन ठीक है वहाँ पेड़ बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनको पेड़ काट के हम लोग लकड़ियाँ लाते हैं और उस लकड़ियों से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे हम लोग मेडिसिन बना लेते हैं वहाँ पे पेपर वाले जो पेड़ होते हैं ऐसा बाध जैसा पेड़ होता है ठीक है उन बाज़ जैसा पेड़ होता है उनको काट के हम लोग क्या कहते हैं पेपर बनाते हैं और ऑक्सीजन तो पूछो मत ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो आपको जंगल से ही मिलता है ठीक है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें कहाँ से जंगल से ही मिलता है जैसे मान लो आपने अपने घर में एक कोई पेड़ लगाया है और वो आपको टेन परसेंट आपको ऑक्सीजन दे रहा है तो जंगल में तो ऐसे दस पेड़ होते हैं ऐसे तो दस पेड़ होंगे जंगल में और हर पेड़ अगर आपको दस परसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो सोचिए टोटल सारे ऑक्सीजन को मिला तो आपको हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन आपको जंगल से ही मिल जाएगा समझ में आ रहे हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो हमें अर्थ पे मिलता है वो कहाँ से मिलता है वो फॉरेस्ट से ही मिलता है इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं सेफ फॉरेस्ट ठीक है इसलिए कहते हैं सेफ फॉरेस्ट ठीक आगे क्या कह रहे हैं टू तो सेव फॉरेस्ट ट्री शुड बी कट इन अ प्लांट वे ठीक है देखो पेड़ को काटना जरूरी है पेड़ जब तक हम पेड़ काटेंगे नहीं तब तक हमको वुड मेडिसिन पेपर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं ठीक है तो पेड़ तो काटना जरूरी है पेड़ तो काटना जरूरी है लेकिन क्या एक प्लांट वे में ठीक है एक प्लांट एक तरीके से एक प्लान के तहत कि अगर एक पेड़ काट रहे हो तो आप दो पेड़ लगा के जाओ ठीक है तब तो सही है पर ये नहीं कि आप सब आओ बस खाली पेड़ काटते जाओ नहीं ये गलत तरीका है फिर तो जंगल ख़त्म हो जाएगा एक दिन ठीक है आप पेड़ काटो पेड़ नहीं काटेंगे तो वुड नहीं मिलेगा वुड नहीं मिलेगा तो हमारे घर के फर्नीचर नहीं बनेंगे हमारा मेडिसिन नहीं बनेगा पेपर नहीं बनेगा पेपर नहीं बनेगा तो हमें बुक और कॉपी नहीं छप पाए छप पाएंगे ठीक है तो वो बहुत ज़रूरी है ये सब होना बहुत जरूरी है पेड़ काटना तो ज़रूरी है लेकिन एक प्लांट वे में एक तरीके से ठीक है फॉर एवरी ट्री कट सेवरल न्यू ट्री शुड बी प्लान सो दैट फॉरेस्ट कवर इज़ नॉट रिड्यूज ठीक है और आप एक पेड़ काटो तो आप दो पेड़ लगा के जाओ ताकि जो जंगल का जो साइज है वो घटे ना जंगल ख़त्म ना हो ठीक है जंगल का रहना फॉरेस्ट का रहना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ठीक तो आज का ये टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं ठीक वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ऑलरेडी ट्वेंटी फोर मिनट हो चुके हैं ठीक और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एनिमल्स से अच्छा आज के वीडियो में एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं टेल मी द इंडियाज लार्जेस्ट फॉरेस्ट ठीक है क्योंकि देखिए जब भी हम लोग फॉरेस्ट की बात करते हैं और बड़े फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आप लोग के दिमाग में अमेजॉन फॉरेस्ट आता है सीधे कि अमेजॉन फॉरेस्ट अमेजोन के जंगल नहीं एक क्वेश्चन है इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन मतलब पहले से मैंने सोचा था कि आपसे पूछूंगा टेल मी द इंडियाज लार्जेस्ट फॉरेस्ट टेल मी द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फॉरेस्ट ठीक है और आपको एक मिनट ये मेरा क्वेश्चन रहेगा आप इसको कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन सा है आपको उसका नाम बताना है और आपको उसका लोकेशन बताना है ठीक है ये आज का क्वेश्चन रहेगा मेरी तरफ से आपके लिए टेल मी द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट फॉरेस्ट नेम एंड लोकेशन आपको बताना है उसका तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं जल्दी ही हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे हम लोग एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप स्मिंग कीप स्टडिंग सी यू गाइस सून